नमस्कार दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज का ऐलान हो चुका है और दोस्तों इस सीरीज के लिए दोनों टीमें अपनी तैयारियां शुरू कर रही है। चार पर दोस्तों भारतीय टीम की बात करें तो न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से मिली हार के बाद अब टीम इंडिया के लिए बदलाव की उम्मीदें हैं इस सीरीज में, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया को ये सीरीज हर हाल में जीतनी होगी, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया 3-0 से न्यूजीलैंड से सीरीज हार चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये मुकाबले कितनी बजे शुरू होंगे और साथ ही दोस्तों कौन से मैदान पर खेले जाएंगे और टीम इंडिया में क्या क्या बदलाव इस सीरीज में होने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आपको भी इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए हर हाल में मैच जीतना जरूरी है या फिर सीरीज जीतना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी वनडे सीरीज 3-0 से गंवा चुकी है और इसके बाद दोस्तों अब टीम इंडिया को वापसी करनी होगी और इस सीरीज को हर हाल में जीतना होगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में अब कि भारतीय टीम किन किन खिलाड़ियों की वापसी होगी जो कि इस समय इस सीरीज में नहीं थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा की। तो दोस्तों इस सीरीज में रोहित शर्मा वापसी करने वाले हैं और दोस्तों रोहित की वापसी से टीम इंडिया की ओपनिंग काफ़ी शानदार रहेगी, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ नई ओपनिंग जोड़ी बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई, इसके चलते अब एक बार फिर रोहित शर्मा टीम में वापसी करने वाले हैं और फिर उसी तरह का धमाल मचाने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों रोहित के साथ उनके साथी खिलाड़ी शिखर धवन की भी वापसी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों शिखर धवन भी न्यूजीलैंड से पहले ही बाहर हो चुके थे टूर और अब एक बार फिर वापसी करने वाले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी काफ़ी दिनों से टीम से बाहर चल रहे हैं तो उनकी भी वापसी इस सीरीज में होने वाली है। हार्दिक पांड्या दोस्तों भारतीय टीम से काफ़ी लंबे समय से बाहर हैं और दोस्तों अब उम्मीद की जा सकती है कि इस सीरीज में हार्दिक पांड्या की वापसी होगी। तो इन तीनों खिलाड़ियों की वापसी के बाद टीम इंडिया कुछ इस तरह से नजर आएगी। बैटिंग की बात करें दोस्तों तो रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल, सुरेश अय्यर, मनीष पांडे और ऋषभ पंत उतरने वाले हैं। दो विकेट कीपर इस टीम में मौजूद है, केएल राहुल और ऋषभ पंत। इसके बाद दोस्तों बात करें नंबर 8 की तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या और 9 पर रविंद्र जडेजा उतरेंगे जो कि इस टीम के ऑलराउंडर रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें नंबर 10 की तो यहाँ पर कुलदीप यादव, 11 पर युजवेंद्र चहल, 12 पर नवदीप सैनी, 13 पर सरदोल ठाकुर, 14 पर मोहम्मद शमी और 15 पर जसप्रीत बुमराह उतरने वाले हैं। हालांकि भुवनेश्वर कुमार की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई, अगर इस सीरीज से पहले वो पूरी तरह से फिट होते हैं तो फिर सरदोल ठाकुर की जगह पर हमें भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए देखेंगे। वहीं पर इस सीरीज के मुकाबलों की बात करें दोस्तों तो ये मुकाबले दोपहर के 2 बजे शुरू होंगे भारतीय समयानुसार और दोस्तों इस सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा धर्मशाला में 12 मार्च को, वहीं पर दूसरा वनडे लखनऊ में होगा 15 मार्च को और तीसरा और आखिरी मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा 18 मार्च को। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगी इस सीरीज में? न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद अब टीम इंडिया की ये वनडे सीरीज और होने वाली है 3 मुकाबलों की, तो क्या इस सीरीज को टीम इंडिया जीत पाएगी? और साथ ही दोस्तों बताएँ कि भारतीय टीम में कौन कौन से बदलाव होने चाहिए, किन किन खिलाड़ियों की वापसी इस सीरीज में होनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट की हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।